फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये सी का प्रोग्राम है, आपको सिर्फ इसका अर्थ बताना है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, पहले आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और खुद से आउटपुट जानने का कोशिश करिए कि इसका आउटपुट क्या होगा। चलिए, पहले तो मैं इसको आपको कंपाइल रन करके दिखाता हूँ इसका आउटपुट क्या आएगा। कंपाइल एंड रन करो, इसका आउटपुट आ रहा है 2 एंड 4। अब ये कैसे आ रहा है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ उसके कैसे आ रहा है। यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड दे रखा है, स्टैटिक इंट आई इज आई। इस स्टैटिक का मतलब यहाँ पे यह है कि जो हमें आई की वैल्यू दे रखी है वो हमें ये आई की वैल्यू हो गई। यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ये आई इज इक्वल टू 0 दे रखा है। और ये फिर यहाँ पे आए फॉर लूप में, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 0। अभी पहले वाला यहाँ पे जाएगा, आई आई इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई 1। और फिर इसके बाद भी यहाँ पे गया, यहाँ के बाद आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 2। देन फिर ये प्रिंट करेगा वैल्यू, इसने प्रिंट करी, यानी कि क्या, इसने 2 प्रिंट कर दिया। 2 प्रिंट करने के बाद फिर इफ वाली कंडीशन चलेगी, इफ यानी कि 2, यानी कि 2 इज नॉट इज इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल ये वापस यहाँ पे जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो ब्रेक वाला स्टेटमेंट चल जाता, यानी कि 4 इज इक्वल टू 4 हो जाता तो कंडीशन ब्रेक वाली कंडीशन चलती और ये लूप से बाहर आ जाता। क्योंकि कंडीशन आई, क्योंकि आई इज इक्वल टू 2 दे रखा है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वापस यहाँ पे जाएगा। लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि आई की वैल्यू अभी भी 2 है, 2 चेंज नहीं होगी। अब 2 यहाँ पे आई, 2 दोबारा 2 यहाँ पे होगी 3, यहाँ 3 हुई, 3 के बाद ये दोबारा यहाँ गया, 3 के बाद 4 हुई, 4 के बाद ये प्रिंट एफ चलेगा, ये वाला दोबारा चला, अब ये प्रिंट कर देगा 4। 4 प्रिंट करने के बाद अब इफ इजिकल टू आई इजिकल टू वैल्यू, आई की वैल्यू क्या थी, 4, 4 इजिकल टू 4, यानी कंडीशन ट्रू हो गई, ब्रेक चलेगा और एक लूप से बाहर आ जाएगा। तो हमारा आउटपुट फाइनली क्या होगा, 2 एंड 4। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड गुड बाय।